सवाल होगा, डब्ल्यू डी किस मामले में पेशी हुई थी? एक झूठा मामले में जी, झूठा केस में। कहाँ का केस? हुसैनगंज थाने का। अच्छा, जिस समय ओसामा साहब जो जिस दिन को घटना पुलिस बता रही है, एफआईआर में जो टाइम और दिन दिया गया था, सीसी फुटेज हम लोग भी देखे हैं, ओसामा साहब कहीं से सीसी फुटेज में नजर नहीं आ रहे हैं। ये झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा में ही उनको अरेस्ट किया गया। विरोधियों की कम्प्लीट ये साजिश है। साथ में रोहित कुमार, आफी न्यूज फाउंडेशन पर तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार के सिवान से, जहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की कोर्ट में पेशी हुई और उस दौरान हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो वहां पर जमा था, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, बता दें कि बीते दिनों जो है ओसामा की गिरफ्तारी जो है पहले राजस्थान में की गई, जिसके बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वहीं कोर्ट परिसर से बिहार पुलिस ने ओसामा को गिरफ्तार कर लिया। ओसामा के खिलाफ बिहार में जमीन विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें उसकी तलाश थी और उसी के बाद जो है बिहार पुलिस उसको लेकर के पटना पहुंची, जिसके बाद सिवान की कोर्ट में उसकी पेशी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो सिवान के हुसैनगंज से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर छपिया में 42 कट्ठा जमीन को लेकर के विवाद और फायरिंग के मामले में उनकी पेशी की गई है। कोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी मौजूद थी। भीड़ के बीच से पुलिस ओसामा को बड़ी मुश्किल से कोर्ट के अंदर तक लेके गई। समर्थक ओसामा के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस भी कोर्ट कैंपस में मौजूद रही। पुलिस जो है बिहार पुलिस से कोटा से लेकर के सिवान पहुंची है, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी के पीछे ओसामा के समर्थक 50 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों से चलते नजर आए। पुलिस उसे सिवान कोर्ट लेकर के आई तो वहाँ भी ओसामा के समर्थक भारी संख्या में जो है वो मौजूद थे। बता दें कि ओसामा कोटा में जिस गाड़ी से घूम रहे थे वो चोरी की निकली। फॉर्चुनर के मालिक इमरान खान ने गाड़ी चोरी की शिकायत कर रखी है। कोटा पुलिस ने सोमवार को उसे दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया था। कोटा में बीते सोमवार को ओसामा अपने दो दोस्त वसीम और सैफ के साथ गिरफ्तार हुआ था, जहाँ पर सिवान पुलिस ने उसे कस्टडी में फिर ले लिया, जब उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके अलावा मोतिहारी में जमीन विवाद में फायरिंग और तोड़फोड़ का भी मामला ओसामा के खिलाफ दर्ज है। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के मुताबिक दोनों के खिलाफ हुसैनगंज थाने में मामला दर्ज है। इस केस में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान के राजगंज मंडी में पकड़ी गई फॉर्चुनर गाड़ी जो है वो चोरी की निकली थी, ऐसा बताया जा रहा था। ओसामा शहाब अपने तीन दोस्तों के साथ उसी फॉर्चुनर से गोवा जा रहे थे। इसी दौरान राजस्थान पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया, क्योंकि गाड़ी सड़क की दूसरी लेन में चल रही थी। फॉर्चुनर का रजिस्ट्रेशन नंबर DL8CB8772 है। इस नंबर के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी के खिलाफ चोरी का मामला जो है वजीरपुर परिवहन कार्यालय में दर्ज है। तो बता दें कि शांति भंग करने के आरोप में कोटा में जो है कोटा पुलिस ने पहले ओसामा साहब, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के जो पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे की गिरफ्तारी की थी, और उसके बाद जो है जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो उसके बाद बिहार पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था, जिसके बाद आज लेकर के उसको सिवान पहुँचा गया, जहाँ पर कोर्ट में पेशी हुई है, और उसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ओसामा मंडल कराना है। कुछ भी अभी नहीं किया, सुनवाई कल होगी मेरे समझ से। अच्छा, आज जो लोग कस्टडी में आते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज अर्जी दी जाएगी जमानत के लिए, उस पर सुनवाई कल होगा। बिल्कुल। किस मामले में पेशी हुई थी? एक झूठा मामले में, झूठा केस में। कहाँ का केस? हुसैनगंज थाने का। अच्छा, जिस समय ओसामा साहब जो जिस दिन को घटना पुलिस बता रही है, एफआईआर में जो टाइम और दिन दिया गया था, सीसी फुटेज हम लोग भी देखे हैं, ओसामा साहब कहीं से सीसी फुटेज में नजर नहीं आ रहे हैं। ये झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा में ही उनको अरेस्ट किया गया। विरोधियों की कम्प्लीट ये साजिश है, एक साजिश के तहत उनको इस केस में फंसाया जा रहा है। ओसामा साहब की जब पेशी हुई तो उनके वकील दलील जो पेश किए उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है? जमानत की अर्जी अब दी जाएगी। अभी सिर्फ उन लोगों ने कोर्ट में इनको पुटअप किया, पेशी किया, पेशी के बाद ये लोग न्यायिक हिरासत में ले लिए। तो अभी जेल चलेंगे मंडल का? हाँ बिल्कुल, मंडल का। तो ये कल तक कोर्ट खुला हुआ है, कल से कोर्ट बंद हो जा रहा है, और 20 तारीख को फिर कोर्ट खुलेगा। ओसामा साहब के जो अधिवक्ता हैं, कल इस पर बहस करेंगे, कल आज जमानत की अर्जी देंगे। जो बहस कर रहे थे अभी जूनियर लोग थे, सीनियर हमारा, हम मेरे समझ से अरुण बाबू या और भी बहुत सारे वो वकील हैं जो लोग बहस करेंगे। तो फिर कल ओसामा साहब को लाया जाएगा यहाँ पे जब बहस होगी? नहीं, वो तो ओसामा साहब तो पेश ही हो ही गए,
नहीं रहेंगे तभी बहस होगा। हाँ, मतलब कल सिर्फ आज सिर्फ जमानत के लिए अर्जी डाली गई। हाँ, आज अर्जी डाली गई है। आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई चली? कोई कार्रवाई इस पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली। पुलिस वालों ने उनको पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने तो जज साहब ने क्या कुछ कहा कि इतने दिनों के लिए जज साहब ने न्यायिक हिरासत में भेजा जाए? बिल्कुल, ये सब कल मालूम होगा। कल जब जब हमारे अधिवक्ता ओसामा साहब का अधिवक्ता जब जमानत मांगेंगे, वो जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत देते हैं या क्या ऑर्डर करते हैं। ये गर्व की बात है। क्या लग रहा है, ओसामा साहब जेल चले गए और 3-4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक जो है इस जिले की, पूरे बिहार की जनता जान रही है कि ओसामा साहब को झूठे केस में फंसाया गया है, फंसाया गया है। तो इससे कोई फर्क ना, हम लोग ओसामा बन के लड़ेंगे। हिना साहब को चुनाव लड़ना हर हाल में तय है। और ओसामा साहब कोई किसी का मर्डर किए हैं कि जेल में उतना देर रह जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिसमें आज अपीयर हुए हैं ओसामा साहब, जो उच्चनगर थाना की पुलिस की है, तो पुलिस कस्टडी में जो लोग आते हैं, तो मेरे समझ से कल इस पर बहस होगा। तो फिर अभी उनको पुलिस वैन से ले जाया गया है, इससे पहले वो आए हैं तो अपनी गाड़ी से आए थे? आए थे, लेकिन यहाँ से वो पुलिस कस्टडी में ही आए थे। हाँ। पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने उनको दे दिया। क्या? मेरे समझ से हुसैनगंज थाने की जो पुलिस है, जो सिवान की पुलिस है, उनको मंडल करा लेंगे। अभी जज साहब ने क्या कहा है? जज साहब ने अपना कोई अभी ओपिनियन नहीं दिया। कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये शाम तक मालूम पड़ेगा, शाम तक मालूम पड़ेगा। साहब ने तो अभी उनको कहाँ ले गए? न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।